शांति। 12 नवंबर 2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। बच्चे बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। आज की मुरली का प्रश्न है, पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी। पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी। बाबा ने उत्तर दिया, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करें तब ही कृष्णपुरी में जा सके, अर्थात आदि से पाठ बजा सके। उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। बाबा कहते, उन्हें कभी भी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1 पॉइंट, अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। अपार खुशी में रहने के लिए सदा स्मृति रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। वह हमें अथाह धन देते हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट, विजयमाला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। विजयमाला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करने हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी ना आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गवाना है। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गवाना है। आज की मुरली का वरदान है, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। विश्लेषण है, आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ आए, आपको गाली दे निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना शुभ कामना द्वारा वृत्ति द्वारा स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। बाबा कहते, क्रोधी आत्मा परवश है। ऐसी परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है।
चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। बाबा कहते, चैतन्य में जब आप में ऐसे संस्कार भरे हैं, तब तो जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। आज की मुरली का स्लोगन है, याद द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। ओम शांति।